यूपी और उत्तराखंड की खबरों के लिए एबीपी गंगा को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। पहले एक बड़ी खबर हम आपको बता देते हैं, प्रतापगढ़ से बहुत बड़ी खबर है। लखनऊ प्रयागराज हाईवे पर भीषण सड़क हादसा हुआ है, बारातियों से भरी बोलेरो ने एक ट्रक को टक्कर मारी। हादसे में 14 लोगों की मौत हो गई है और मरने वालों में 6 बच्चे भी शामिल हैं। नवाबगंज के शेखपुर से लौट रहे थे बाराती और बीच रास्ते में ये भीषण सड़क हादसा हो गया जिसमें 14 लोगों की मौत हो गई है और मरने वालों में बच्चे भी शामिल हैं। बारातियों से भरी हुई ये बोलेरो थी जिसमें बताया जा रहा है कि तकरीबन 16 लोग सवार थे और 14 लोगों की मौत की खबर है जिनमें 6 बच्चे भी शामिल हैं। स्थानीय लोगों की मदद से पुलिस ने रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया और इन लोगों को बाहर निकाला गया। 14 लोगों की मौत हो गई जिनमें 6 बच्चे भी शामिल थे। नवाबगंज से शेखपुरा लौट रहे थे ये सभी बाराती बोलेरो में बैठकर, लेकिन एक ट्रक से उसकी टक्कर हो गई जिसमें बोलेरो के आगे का हिस्सा पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया। भीषण सड़क हादसा हुआ और 14 लोगों की जान चली गई। दर्जन भर से ज्यादा लोग जो थे उन्होंने अपनी जान गंवा दी और सबसे दुखद बात 6 बच्चों की भी इस सड़क हादसे में मौत हुई है। और सीधे अब आपको ले चलते हैं, हमारे संवाददाता मोहम्मद मोइन हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। मोइन, इस बारे में कुछ पता लग पाया है कि आखिर किसकी गलती की वजह से या किस कारण यह हादसा हुआ जो दर्जन भर से ज्यादा लोगों की जान चली गई और मरने वालों में 6 बच्चे भी शामिल हैं? देखिए, अभी तक जो शुरुआती जानकारी मिली है उसमें पूरी तरह से जो बोलेरो का ड्राइवर था उसकी गलती समझ में आ रही है, क्योंकि बोलेरो जो है वो बेहद तेज रफ्तार थी, बेकाबू हो गई थी और खड़े ट्रक के पिछले हिस्से में जाकर के टकराई थी। हादसा इतना जबरदस्त था कि जो बोलेरो कार थी उसका आधा हिस्सा ट्रक के अंदर चला गया था। जेसीबी मशीन की मदद से गाड़ी को बाहर निकाला गया और उसके बाद भी गाड़ी की यह हालत हो गई थी कि उसे गैस कटर की मदद से काटा गया, तब जाकर के जो बाकी बचे हुए लोग थे उनके शव निकाले गए। तो जो पीछे के हिस्से में लोग थे उनके शव तो पहले निकाल लिए गए थे, लेकिन अगले हिस्से में जो लोग बैठे हुए थे जिनकी दर्दनाक मौत हुई उनके शव निकालने में पुलिस को, प्रशासन को खासी मशक्कत करनी पड़ी। बहरहाल अब सभी शवों को भेज दिया गया है जिला अस्पताल के स्थित पोस्टमार्टम घर में। अभी से 1 से 2 घंटे के अंदर इन सभी का पोस्टमार्टम कराया जाएगा, उसके बाद शवों को अंतिम संस्कार के लिए उनके परिवार वालों को सौंप दिया जाएगा। तो कहा जा सकता है कि बेहद दर्दनाक हादसा था, शादी का घर था जहां चारों तरफ खुशियों का माहौल था, लेकिन पल भर में ही खुशियों का ये माहौल मातम में बदल गया। लोगों को इंतजार था कि रात को बाराती लौटेंगे, सुबह नई दुल्हन आएगी, उसका स्वागत किया जाएगा, लेकिन किसी ने ये नहीं सोचा था कि रात को इतनी दुखद खबर आएगी कि पूरे परिवार में जहां खुशियां छाई हुई हैं पूरा परिवार मातम में बदल जाएगा, पूरे परिवार में मातम पसर जाएगा। तो कहा जा सकता है, समझा जा सकता है, अंदाजा लगाया जा सकता है कि कितना बड़ा हादसा है और पूरे परिवार को कितनी बड़ी कीमत चुकानी पड़ी है एक ड्राइवर की लापरवाही की वजह से। तो बिल्कुल आप बता रहे हैं कि गलती जो है वो बोलेरो के ड्राइवर की नजर आ रही है। और फिलहाल 3 तस्वीरें जो पूरे हादसे की कहानी बयां कर रही हैं कि किस तरह बोलेरो ने ट्रक को टक्कर मारी। लगभग आधी गाड़ी आप देख सकते हैं पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई, इसका आगे का हिस्सा ट्रक के पीछे जा घुसा। 14 लोगों की इसमें मौत हो गई और मरने वालों में 6 बच्चे भी शामिल थे। मतलब खुशी का माहौल था, बाराती वापस लौट रहे थे शादी के बाद, लेकिन घर पहुंचते उससे पहले 14 लोगों की मौत हो गई। इस पूरे घटना पर वहां के एसपी अनुराग आर्या ने क्या बताया वो भी हम आपको दिखाते हैं। मौके पर जो पुलिस बल पहुंचा उनके द्वारा घटनास्थल पर क्षतिग्रस्त बोलेरो गाड़ी से 5 डेड बॉडी बाहर निकाली गई। इसके बाद जेसीबी द्वारा बोलेरो को ट्रक के नीचे से बाहर निकाला गया, रेस्क्यू ऑपरेशन चालू किया गया और जो क्षतिग्रस्त बोलेरो थी उससे 9 और व्यक्तियों की डेड बॉडी पुलिस के द्वारा बरामद की गई। इस प्रकार इस दुखद दुर्घटना में लगभग कुल 14 व्यक्तियों की मृत्यु हुई है। मृत व्यक्तियों में 8 पुरुष हैं जिनकी उम्र 20 से 60 वर्ष के बीच में है और 6 बच्चे हैं जिनकी उम्र 7 से 15 वर्ष के बीच में है।